तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो तरीके की चॉकलेट की धमाकेदार रेसिपी, जिसको आप देखते ही बनाना चाहेंगे। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट रेशो, जैसे आप मार्केट की लेते हैं ना चॉकलेट, अमूल की या कैडबरीज की बार्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही बार आप घर में बना लेंगे बहुत ही कम सामान से, और वो भी सिर्फ 3 मिनट में। एक मैं बनाऊंगी होममेड मिल्क चॉकलेट, जो आप मार्केट में ब्राउन वाली देखते हैं ना, बस वो वाली। दूसरी हम बनाएंगे सभी बच्चों की फेवरेट होममेड व्हाइट चॉकलेट। दोनों ही बनाएंगे फास्ट फास्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे होममेड मिल्क चॉकलेट। तो उसके लिए सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाइए एक बर्तन, एक बड़े साइज का बर्तन ले लीजिए, और इसमें मैंने लिया है 1 गिलास पानी। गैस को ऑन करेंगे, पानी में अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे। आज हम ये जो चॉकलेट बनाएंगे बिल्कुल बिना माइक्रोवेव ओवन इनका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं टोटल आपको गैस पे बता रही हूँ। तो जरूरी टिप, जो भी बर्तन आप लें और उसमें जो पानी डालें ऊपर तक नहीं भरना है, बस ऐसा समझ लीजिए कि लगभग आधे के करीब इतना हमें पानी लेना है, क्योंकि आज हम इस चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से बनाएंगे। और आज ये दोनों चॉकलेट हम बनाएंगे बिल्कुल बिना कोको बटर के, और ना ही कोई वेजिटेबल शॉर्ट नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पर सबसे पहले हम बोल पर रखेंगे एक बोल। यहाँ मेरा सजेशन है कि आप जो भी बोल लें, या तो कांच का लें जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, या फिर आप किसी मेटल का यानी स्टील का भी ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो बहुत देर तक गर्म रहता है, जिसकी वजह से हमें चॉकलेट बनाना आसान हो जाता है। दूसरा जरूरी पॉइंट, फ्लेम को अब आप लो कर दीजिए। बोल इस तरीके का रखना है कि उसे पानी की हीट लगती रहे, लेकिन पानी इससे टच ना हो, जरूरी पॉइंट। तो इस तरह रख के अब इसमें हम डालेंगे, मैं यूज कर रही हूँ डिसानो वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि 100% नेचुरल है, अनरिफाइंड है, नो मिनरल ऑयल, जबरदस्त टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। तो मैं ले रही हूँ आधा कप, यानी आधा वाला कप आप मान के चलिए, लगभग 6 बड़े चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। सच मानिए फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल से चॉकलेट एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनती है, और वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत हेल्दी के साथ साथ लाइट और टेस्टी भी होता है। कोकोनट ऑयल जो हमने लिया है उसको आप पहले बढ़िया से मेल्ट होने दें लो फ्लेम पर। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम कोकोनट ऑयल ना लें तो क्या, तो आप यहाँ कोको बटर, वनस्पति घी या वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे वर्जिन कोकोनट ऑयल से बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगी। इस स्टेज पर लो फ्लेम पर मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर शुगर। पाउडर शुगर मींस आप चीनी लें, चीनी को मिक्सी में पीस लें, और पीस करके इस तरह फाइन पाउडर बना लें। जरूरी टिप, कभी कभी इसमें लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाती, तो मेरा सजेशन है कि जब आप पाउडर शुगर लें एक बार छलनी से छान कर फिर लें, आपको एकदम फाइन पाउडर मिल जाएगा, तो आपको चॉकलेट बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से कोकोनट ऑयल के साथ इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान है, घर में चॉकलेट बनाना बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। और लीजिए, चीनी भी बिल्कुल बढ़िया से घुल गई है। पूरे प्रोसेस में फ्लेम को आप लो रखिए। सारे टिप मैं आपको इसलिए बताते जा रही हूँ कि क्या होता है कि अगर आप ज्यादा हाई फ्लेम पर या फिर आप बहुत देर तक इसको पकाते रहेंगे, इसमें आपने चीनी के पाउडर को बिना छाने ले लिया और बहुत देर तक पकाते रहेंगे, तो जो चॉकलेट फाइनली बनती है वो दरदरी सी हो जाती है ओवर कुक होने के कारण। ऐसा ना हो इसलिए आप इस सब चीजों को पहले ही छान के लें। और इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप कोको पाउडर। कोको पाउडर के बॉक्स बहुत ही आसानी से आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। सभी चीजों का ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब जिस कप से आपने चीनी ली, कोकोनट ऑयल लिया, उसी कप से आपको कोको पाउडर भी लेना है। तो आधा कप मान के चलिए 6 बड़े चम्मच, तो ये कोको पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे, और फटाफट से लो फ्लेम पर कोको पाउडर को भी करेंगे मिक्स। किसी भी चीज की ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम बढ़िया हमारी चॉकलेट मिक्स हो गई है, ये देख सकते हैं आप। इसी स्टेज पर इसको टेस्टी बनाने के लिए, बाजार जैसा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर। इजीली आजकल सब जगह दूध के पाउडर के पाउचेस अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रांड का दूध का पाउडर ले सकते हैं। 1/4 कप मान के चलिए इस वाली चम्मच से 3 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो इसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। ये देखिए, मिनटों का काम है, काम खत्म, बन गई हमारी चॉकलेट बिल्कुल सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी। इससे बियॉन्ड, यानी इसके फर्दर अगर आप और कुकिंग करेंगे तो ये दरदरी सी हो जाएगी, यानी आपने ज्यादा चॉकलेट को पका लिया है। तो
ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, बस स्मूथ कंसिस्टेंसी, सब चीजें मिक्स हो जाएं। तो बस इस स्टेज पर गैस को आप बंद कर दीजिए। और इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच वनीला एसेंस, फ्लेवर के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो, आपका दिल करे तो डालिए, वरना आप इसके बगैर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर तो है ही। 3 मिनट भी नहीं लगे और हमारी चॉकलेट रेडी हो गई है सेट होने के लिए। तो बस अब बोल को उतार लेंगे। तो चलिए अभी ये देख लेते हैं कि चॉकलेट आपको सेट किस में करनी है, यानी जमानी किस में है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है सभी लोगों का। तो देखिए मार्केट में इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड आते हैं, तो इसमें जब आप जमाएंगे तो आपकी बार बन जाएगी, यानी बड़ी वाली चॉकलेट बन जाएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी शेप वाली। बहुत ही इजीली ये सब चीजें अवेलेबल हैं। ये नहीं हो तो अलग अलग डिजाइन के बच्चों को खुश करने के लिए पैटर्न सिलिकॉन मोल्ड भी आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं एनिमल्स वाले और इस तरीके के क्रिसमस रिलेटेड, सभी तरीके के सिलिकॉन मोल्ड आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, किसी भी सुपर स्टोर में आपको इजीली ये मिल जाएंगे। जैसे इस तरीके की आपको किटकैट की फॉर्म में बनानी है तो आप किटकैट की डिजाइन में भी इस तरह बना सकते हैं, इस मोल्ड में बहुत ही इजी हो जाता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अगर पारुल ऐसे सिलिकॉन मोल्ड्स ना हो तो हम कैसे चॉकलेट को सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के ना सस्ते वाले किसी भी क्राफ्ट शॉप वगैरह पर ही आपको मिल जाएंगे, 10 रुपए समथिंग का ये होता है, ये मोल्ड आता है, तो आप इसमें भी जमा सकते हैं और रीयूजेबल भी है, ऐसा नहीं कि एक बार के बाद अब ये खराब हो जाएगा। और भाई वरना अपनी आइस ट्रे तो है ही, तो आइस क्यूब वाली ट्रे में भी आप जमा सकते हैं। या फिर एक और अच्छा आइडिया आपको दूं, ये देखिए आप सोच रहे होंगे ये क्या है, वो जो बड़ा वाला चॉकलेट का डिब्बा निकलता है ना, जो हम जनरली गिफ्ट में देते हैं, उसमें सारी ये चॉकलेट्स लगी हुई आती हैं, तो ये वाला होता है ना जिसमें चॉकलेट्स लगी रहती हैं, तो बस इसको फेंकिए मत, इसी में आप चॉकलेट को सेट कर सकते हैं बनाने के बाद, और बिल्कुल इन्हीं डिजाइन्स की आपकी चॉकलेट तैयार हो जाएगी। तो है ना आसान, अब मैंने आपको सारे अल्टरनेटिव दे दिए हैं, तो आप इजीली सेट कर सकते हैं। और अपनी चॉकलेट को अभी जो मैंने आपको सिलिकॉन मोल्ड्स दिखाए थे ना, अपने मन चाहे डिजाइन वाले में आप पोर कर दीजिए। इस तरीके से हम फैला देंगे, मैं बार बना रही हूँ तो मैंने बार वाली शेप का सिलिकॉन मोल्ड चूज किया है, और ये देखिए परफेक्ट है ना, कितना आसान, बस एक बार कीजिए इस तरह टैप, जिससे कोई भी एयर बबल्स ना रहे, और इसको रख देंगे सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में, सिंपल रेफ्रिजरेटर में, जिससे ये सेट हो जाए। और इसी तरह मैं थोड़े से चॉकलेट ये डिजाइन वाली भी बना लेती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको बनानी है ड्राई फ्रूट्स वाली या एलमंड वाली चॉकलेट, जैसे मार्केट में मिलती है ना एलमंड चॉकलेट्स, तो चलिए वो वाली भी बना लेते हैं। सिंपल मैंने लिए थोड़े से बादाम, और बादाम को हम इस तरह से अपनी मनचाही शेप में आप कट कर लें। तो चलिए आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि इसमें कैसे बनेगी, चलिए इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा बचा है तो थोड़ा पोर्शन इसमें डालेंगे इस तरह से, और जो भी हमने एलमंड्स काटे थे उनको इस तरीके से इस पर डाल देंगे, जितने चाहे आपकी मर्जी है। और साथ ही मैं इस पर डाल देती हूँ बची हुई चॉकलेट, यानी अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड ना भी हो, आप अपने जुगाड़ से चॉकलेट मार्केट जैसी तो बना ही लेंगे है ना आसान तरीका। और ये देखिए हमारी एमंड वाली बहुत ही बढ़िया चॉकलेट मैंने इसमें भी सेट कर ली है, जितना मेरा बचा था, तो चलिए इसे भी सेट होने रख देते हैं और फटाफट बनाते हैं बाजार जैसी व्हाइट चॉकलेट। होममेड व्हाइट चॉकलेट बनाने के लिए फिर से आप रखें एक बड़ा बर्तन, उसमें डालें 1 गिलास पानी और मीडियम फ्लेम पर पानी में उबाल आने देंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है, फ्लेम को भी हम लो कर देंगे और इस पर रखेंगे एक बोल, और इसमें डालेंगे डिसानो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिससे हमारी चॉकलेट बनेगी बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी की, साथ में टेस्टी भी। तो मैं ले रही हूँ 1/2 कप, लगभग मान के चलिए अगर मैं चम्मच से बोलूँ तो 6 से 7 बड़े चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। कोकोनट ऑयल को बिल्कुल बढ़िया से होने देंगे मेल्ट, जब तक पूरा पिघलना चाहे तब तक आप कुछ मत डालिए, पहले अच्छी तरीके से इसको मेल्ट होने दीजिए। ऑयल हो गया है हमारा अच्छे से मेल्ट, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर, यानी चीनी का पाउडर, चम्मच से लगभग 3 बड़े चम्मच। मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ बनाते वक्त आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। अच्छे से कीजिए मिक्स लो फ्लेम पर, चीनी को बढ़िया से घुलने देंगे। और इस स्टेज पर जब दोनों चीज बढ़िया से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप + 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। सभी चीजों का ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ऐसे मान के चलिए कि जो 1 कप है, 1/2 कप और 2 बड़े चम्मच हमें मिल्क पाउडर और लेना है। तो पूरा मिल्क पाउडर इसमें हम डाल देंगे और लो फ्लेम पर बढ़िया से करेंगे मिक्स। और ये देखिए बिल्कुल सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी, सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। जरा भी हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, तो बस इस स्टेज पर गैस को ऑफ करेंगे और बोल को उतारेंगे। ये मैंने ले लिया चॉकलेट बार वाला मोल्ड, तो बस इसमें हम डाल देंगे हमारी
व्हाइट चॉकलेट इस तरह और एक बार कर दीजिए हल्के से टैप। लीजिए परफेक्ट, हमारी मोड में व्हाइट चॉकलेट तैयार है। इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। और थोड़ी व्हाइट चॉकलेट बच गई है तो मैं इस मोड में भी सेट कर लेती हूँ। और ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया मार्केट जैसी चॉकलेट है बन करके बिल्कुल रेडी। और ये देखिए वाओ सुपर्ब, हमारी एकदम बढ़िया मार्केट जैसी व्हाइट चॉकलेट बार है घर में ही तैयार, और वो भी इतनी झटपट। ये देखिए सुपर्ब चॉकलेट लग रही है। और इसी तरह हम अपनी मिल्क चॉकलेट भी निकाल लेंगे। ये लीजिए वाओ, आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त हमारी मार्केट जैसी होममेड मिल्क चॉकलेट बार है बिल्कुल तैयार। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका स्मूथ टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बनती है। खुशी बहुत होती है जब आप इतनी इजीली घर में इतनी बढ़िया चॉकलेट बार आप बना लें। तो लीजिए हमारी होममेड व्हाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट है बिल्कुल तैयार। चलिए मैंने ये भी फ्रिज से निकाल लिए हैं, एकदम बढ़िया ये सेट हो गई है। सुपर्ब, एकदम बढ़िया दिख रही है, एकदम परफेक्ट लग रहा है जैसे पैकेट की हो है। धीरे से नीचे से प्रेस करते हुए इसको भी निकाल लेंगे। वाव वाव, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी चॉकलेट लग रही है, छोटी वाली चॉकलेट। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी होममेड व्हाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। है ना बनाना कितना आसान। अब आप जरूर बनाइए और बच्चों को दीजिए क्रिसमस पर सरप्राइज इतने आसान तरीके से, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। और इस तरह से बना करके आप एक एयरटाइट बॉक्स में इसे फ्रिज में रख दें, पूरे एक से डेढ़ महीने भी ये बिल्कुल खराब नहीं होंगी। बस आप याद रखिए कि बहुत ज्यादा गर्म प्लेस पर अगर आप रहते हैं तो आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।